गाइस अभी आज सुबह ही मेरे पास एक भाई आए थे और सिंपली जो है उनका फोन लॉक हो चुका। सिंपली वो लोग भी हमसे यूट्यूब से ही कॉन्टेक्ट किए थे और सिंपली वो उन्होंने मेरा हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट किया, हमने अपना नंबर दिया, एड्रेस दिया, क्योंकि वो हमारे घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर थे। और तभी जो है उन्होंने मेरा वीडियो देखा और सिंपली हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया। सिंपली आज वो फोन को दिए हैं हमें अनलॉक करने के लिए, जो कि अभी हम आप लोगों के सामने अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के हाथ में वो फ़ोन गया था, यानी बच्चों को वो अपना फ़ोन दे करके कहीं चले गए थे और सब तभी से उनका फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा। बच्चों से पूछे तो उन्हें पासवर्ड पता नहीं था, तो हमने उन्हें समझाया कि घबराइएगा नहीं, सिंपली हम आपका फ़ोन का लॉक तोड़वा के कल सुबह आप आ करके लेके करके चले जाए। तो गाइस अभी देखिए इस फ़ोन में लगा हुआ 6 डिजिट का कोड और साथ ही इसमें फेस लॉक। सिंपली क्या करना आपको इसे अनलॉक करना, तो सिंपली हम सारा विधि आप लोग को बताएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करें इस पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉक तोड़। गाइस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, अभी ये रियलमी का एक हैंडसेट है और एंड्रॉयड वर्जन 11 है, क्योंकि ये रियलमी का 8i शायद है, अब क्या है देखने के बाद पता चल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग के पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, उससे मतलब नहीं कि रियलमी का हो, सिंपली आप लोग के पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर रियलमी का तब तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है आपको, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना और अपने फ़ोन में जो है लेटेस्ट कोड जो आया है आपको वो कोड अपने फ़ोन में डायल कर लेना है। ध्यान रखिएगा, डायल करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, फ़ोन को अनलॉक करने आए हैं तो सिंपली ये कोड सबसे पहले आप लोग कॉपी पर निकाल करके लिख लीजिए, तो वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर जो 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम आपको ओके करने के बाद आपको इस नंबर को तुरंत डिलीट कर लेना है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे 7 टाइम होगा आपको उस नंबर को साफ कर देना है। उसके बाद अपने फ़ोन में *#899 और हैश डाल देना। तो जैसे ही आप लोग हैश डालेंगे तो आप लोगों के सामने जो इंजीनियर मोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, पर मैनुअल टेस्ट पर क्लिक करना और इस प्रकार से फ़ोन को स्क्रॉल करके ही आपको सबसे पहला काम क्या करना, आपके फ़ोन को सेंसर्स को ऑन करने के करना, ठीक है। यहाँ से देखिए इस फ़ोन में हमारा 3 सेंसर है जो कि यहाँ पर हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमें एक बात आपको बताते हैं कि हमें जो यहाँ पर ज़रूरत है 1 सेंसर पास की, लेकिन हमारा यहाँ 2 पास हो चुका है, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ 1 पास की। तो जो हमें 1 पास की जरूरत है, इसको इस प्रकार से क्लिक करके आपको क्या करना है, बैक कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ जायरोस्कोप पर जाइए, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर दीजिए। टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग के बाद जो है ये पास हो जाएगा। पास होने के बाद बैक कर दीजिए, फिर से आपको बैक करना है और लास्ट में चले जाना है अदर्स पर। अदर्स पर जाने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट मिलेगा, पहला बार कैंसिल, दूसरा बार कैंसिल और तीसरा बार आपको ओके कर देना। ओके कीजिएगा, यहाँ रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। की स्टेटस पर क्लिक करके सारे की को आपको पास करवा लेना है। उसके बाद बैक करके रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को पास करवा करके फिर से आपको बैक करके यहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन पर 11 टाइम क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम ओके करके फिर से आपको बैक ही जाना है। और यहाँ जो है मैनुअल टेस्ट का सेकंड ऑप्शन जो डिवाइस डिबगिंग था, वहाँ पर चेक स्मॉल बोर्ड मैथ को सिंपली आपको पास करवा करके इस प्रकार से फ़ोन को स्क्रॉल कर देना, आपका फ़ोन जिस कंडीशन से लॉक हुआ होगा उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।